ये रही हमारी मटर चाट, और इसमें हमने मटर के साथ साथ और भी बहुत कुछ डाला है। आपको ये गोल गोल सिर्फ मटर लग रही होगी, लेकिन मटर के अलावा भी इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। अब आप हमें बताएं कि ये जो मटर के साथ गोल गोल और चीज़ आपको दिख रही है वो क्या है, आप कमेंट करके बताएं। लेकिन रेसिपी पूरी देखने से पहले तो आप बताइएगा कि ये मैंने क्या डाला है, और हाँ सच्ची सच्ची बताना कि क्या आपने रेसिपी देखने के बाद पता किया या उससे पहले आपने बता दिया था कि ये गोल गोल क्या डाला है, बिल्कुल सच्ची बताना। देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। फिलहाल इसकी हम चटनी बनाएंगे, खट्टी और थोड़ी सी स्पाइसी, उसी के साथ ये चाट बनाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारी नॉर्मल सी चाट है काफी टेस्टी बनेगी और काफी क्रंची भी। तो बहुत कुछ है इस मटर की चाट में, थोड़ी सी हटके बनी हुई है, और आपके पूरी फैमिली को ये मटर की चाट बहुत पसंद आएगी। मटर चाट को बनाने के लिए सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे। तो लेंगे एक मिक्सी का जार, और अब लेंगे हरा धनिया, इसको मैंने अच्छी तरीके से धुल लिया था। इसको हम इसकी जड़ों साइड डालेंगे, जड़ों साइड डालिएगा, चटनी आसानी से बढ़ भी जाएगी और जो इसका टेस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से भाई मार्केट वाले डालते हैं, वो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं, सारी सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। वैसे भी इस समय धनिया काफ़ी महंगी है, तो आप जड़ का यूज कर सकते हैं, बस अच्छे पानी से साफ जरूर कर लीजिएगा। अब हमने धनिया कट के डाल दिए, तो अब डालेंगे इसमें 5 से 6 हरी मिर्च, इससे काफ़ी स्पाइसी बनेगी। इसी के साथ डालेंगे इसमें हम आमचूर पाउडर, लगभग 3/4 टेबल स्पून जितना होगा। जितनी ये चटनी हमारी खट्टी बनेगी उतना ही टेस्ट इसका बढ़कर आएगा, तो आप जरूर डालें, अवॉइड बिल्कुल भी ना करें, ताकि जो आपकी मटर की चाट है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। इसी के साथ डालेंगे इसमें काला नमक 1/4 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा, उसी क्वांटिटी में डाल देंगे लगभग सफेद नमक जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है, वही टाटा वाला। और इसी के साथ डालेंगे इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियां, आप अपने हिसाब से कोई भी इंग्रेडिएंट्स बढ़ा सकते हैं या उसे कम भी कर सकते हैं। अब चटनी को हम बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं, चटनी हमारी पिस के रेडी है, बिल्कुल बारीक पीसनी थी वही पिस के रेडी है। अब इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं, चटनी हमारी पिस के रेडी हो चुकी है। तो अब ले लेंगे यहाँ पर हम मटर, जो कि मैंने लगभग 3 घंटे पहले फूलने के लिए छोड़ दी थी। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारी मटर वो अच्छी तरीके से जरूर फूल जाए, क्योंकि अगर ये फूलेगी नहीं तो इसे उबालने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब मटर को हम साफ पानी से 1-2 बार अच्छी तरीके से धुल लेंगे, और अब लेंगे यहाँ पर हम एक कुकर, और इसमें डाल देंगे धुली हुई मटर। इसी के साथ लेंगे यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू, अब इन आलुओं को हम काट के डालेंगे, क्योंकि मटर हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालनी है, और आलू अगर हम पूरा साबुत डालेंगे तो क्या आलू तो हमारा उबल नहीं पाएगा, और जो हमारी मटर है वो बहुत ज़्यादा उबल जाएगी। तो इसीलिए आप आलू काट के डालें। आलू हमने काट के डाल दिए, तो अब डालेंगे इसमें 1 गिलास जितना पानी, और अब इसका ढक्कन लगाकर इसको 1 सीटी आने तक अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। 1 सीटी आ चुकी है, और इसकी मैंने गैस को निकाला नहीं था, अपने आप निकल जाने दिया था। मटर और आलू हमारे अच्छी तरीके से उबल चुके हैं, बस इसी तरीके से उबाल लें, बहुत ज़्यादा उबल गए तो जो हमारी चाट है बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं बनेगी, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। आलूओं को हम छील लेंगे, अब हमने सारी की सारी तैयारी कर ली है, तो बना लेंगे सीधी चाट। तो लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, जिससे जो हमारी चाट है उसे मिलाने में काफ़ी आसानी हो। अब इसमें डालेंगे हम उबली हुई मटर, थोड़ी सी मैं बचा ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ एक बच्ची है, तो बाद में भाई उसके लिए भी तो चाट बनानी है, तो इसीलिए थोड़ी सी मटर मैंने छोड़ दी है। और अब डालेंगे इसमें हम आलू, आलू भी हम पूरे नहीं डालेंगे, लगभग 1 आलू का पीस छोड़ देंगे, बाकी के आलू इसमें हम डाल देंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है जो आलू है वो ठंडे हो जाए तभी आप काटिएगा, नहीं तो आलू आपके डालते डालते ही मैश हो जाएंगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आलू हमने काट के डाल लिए, तो अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी हरी धनिया, इसे भी थोड़ा सा बारीक बारीक काट लेंगे। इसी के साथ डालेंगे इसमें 1 हरी मिर्च, क्योंकि हम इसमें चटनी डाल रहे हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे, और चटनी नहीं डाल रहे हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा, तो जैसी भी आपकी मर्जी हो आप वैसा स्पाइसी रखें। फिलहाल हरी मिर्च काट के हमने डाल दिए, तो अब लेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, और इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा चीज़ें डालेंगे उतनी ही जो हमारी चाट है उसके टेस्ट में अंतर आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है बहुत सारी चीज़ें हम डाल देते हैं और तब भी हमारी चाट अच्छी नहीं बनती है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी है। अब प्याज भी हमने काट के डाल दिया है, तो अब डालेंगे इसमें हम टमाटर, टमाटर भी मैंने 1 मीडियम साइज का लिया है। बस यहाँ पर टमाटर आप लाल लें तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, और अगर आप थोड़ा सा देसी टाइप का लेंगे तो जो हमारी चाट है वो थोड़ी सी खट्टी हो जाएगी, और टमाटर का भी जो स्वाद है उतना अच्छा नहीं आएगा। अब टमाटर भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दिए, बस यहाँ पर सारी सारी चीज़ें बारीक ही डालनी है, तभी जो हमारी चाट है उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। और अब डालेंगे इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, यानी कि रायते वाली बूंदी, इसको डालते ही जो हमारी चाट है वो काफ़ी क्रंची बनेगी और इसके टेस्ट में भी काफ़ी अंतर आ जाएगा, तो आप एक बार जरूर डालिएगा, ईजिली घर पर रखी ही होती है। अब बूंदी हमने डाल दी है, तो इसमें डालेंगे नमक लगभग 3/4 टेबल स्पून जितना, इसी के साथ काला नमक ये भी उसी क्वांटिटी में डालेंगे, इसमें नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा मैंने डाले, और आलू और मटर को उबालते समय भी मैंने नमक नहीं डाला था। और अब डालेंगे इसमें हम जीरा पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून जितना, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा जीरा लें और तवे पर थोड़ा सा भून लें, उसके बाद आप पीस लें, आराम से जीरा पाउडर बन जाएगा। इसी के साथ डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लगभग 1/4 टेबल स्पून जितनी, और अब डालेंगे इसमें हम हरी मिर्च और धनिया की चटनी,
लगभग 1.5 टेबल स्पून जितनी ऊपर तक भरी हुई। तो चटनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बढ़ाकर डालेंगे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, थोड़ी सी स्पाइसी काफ़ी बनेगी। अब चटनी हमने डाल दी है तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहें तो चटनी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें, कम स्पाइसी खाना चाहें तो घटा दें, बच्चे वगैरह हैं तो भी घटा सकते हैं, नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसा भी आप खाएं, बाद में हर चीज़ बढ़गड़ जाएगी तो आप पहले मिला लें उसके बाद चख लें। तो मैं भी चख लेता हूँ भाई, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मैंने नाप तोल डाली है। तो बस अब लगा लेते हैं हम चाट वाली प्लेट। तो इसके लिए लेंगे यहाँ पर हम 1 पैकेट चिप्स, मैंने यहाँ पर बिल्कुल प्लेन चिप्स लिए हैं, यही आपको लेने। और अब इनको लगा देते हैं इस प्लेट के किनारे किनारे, बस इस तरीके से। अब चिप्स हमने लगा दिए और अब रखेंगे इसके ऊपर हम अपनी चाट, मटर की चाट आप कह सकते हो, बूंदी की चाट कह सकते हो, या आलू की चाट, किसी की भी आप चाट समझें, वही इसके ऊपर रख देंगे। अब चाट हमने रख दी है तो इसके ऊपर डाल देंगे जो थोड़े से बचे हुए चिप्स थे उनको। बस भाई बनके तैयार हो गई है हमारी चाट। वैसे भी मैंने बहुत सारी चाट की रेसिपी पहले शेयर की है तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आई बटन पे दे दूंगा, या एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैं चाट की प्लेलिस्ट भी नीचे आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो और इस संडे या किसी भी संडे को आपको बनाने का मूड हो, या कोई भी रिश्तेदार आपके यहाँ आ रहे हो और आपको खिलाना हो कुछ अच्छा चटपटा और स्पाइसी, तो भाई ये चाट आप जरूर एक बार ट्राई करना। उम्मीद है आपको और आपके जो फैमिली मेंबर है उनको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना।